वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर करियर फाउंडेशन। मैं ईशा आप लोगों का करियर फाउंडेशन में स्वागत करती हूँ। आज है 8 अगस्त और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 8 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूँगी, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी बताऊँगी, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी गई। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पायलट योजना। पायलट योजना के तहत जो RBI है उसने 200 रुपये तक की ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की, अर्थात 200 रुपये तक की लेन देन किया जा सकता है बिना इंटरनेट के, ऑफलाइन बिना इंटरनेट के कार्ड, वॉलेट या मोबाइल के जरिए 200 रुपये तक का लेन देन किया जा सकता है। इस योजना का मकसद उन जगहों के कस्टमरों को प्रोत्साहित करना है जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही कम है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं या फिर वहाँ की स्पीड बहुत ही कम है। यह स्कीम 31 मार्च 2021 तक चलेगी। बात करें अगर RBI की तो ये रहा RBI। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर बात करें RBI के गवर्नर की तो इसके वर्तमान गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया है। ये योजना क्या है? तो इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार किया जाएगा और यह प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा। यह पहचान पत्र न केवल एकल परिवार को बल्कि एकल और संयुक्त दोनों परिवारों के लिए तैयार किया जाएगा और उन्हें दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के जितने भी परिवार हैं, सभी अब राज्य में चलने वाले जितने भी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं का लाभ केवल एक ही पहचान पत्र के द्वारा उस योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उनके लिए उन्हें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। बात हो रही है अगर हरियाणा की तो ये रहा मैप में हरियाणा। ये हरियाणा, हरियाणा के CM कौन है? तो हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो वहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भी है जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। और हाल ही में मैं आप लोगों से हरियाणा के बारे में एक और करंट अफेयर डिस्कस की हूँ। हरियाणा के बारे में क्या था करंट अफेयर्स? तो वो था कि हरियाणा राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण देने का फैसला ले लिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलेगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है देवलाली से दानापुर। पहली किसान रेल, पहली बार भारत में किसान रेल चालू किया गया और वह किसान रेल देवलाली से दानापुर चलेगी। देवलाली कहाँ है? तो देवलाली महाराष्ट्र में स्थित है। अब इस किसान रेल के माध्यम से क्या होगा कि फल और सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाया जा सकेगा जिससे कि फल और सब्जियां खराब ना हो। अच्छा, अगर दानापुर की बात करें, दानापुर कहाँ है? तो दानापुर पटना में है। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री पीयूष गोयल है। और कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। अच्छा, इस किसान रेल जो चलेगा वो किसान रेल क्या करेगा? हर शुक्रवार को देवलाली से सुबह 11 बजे चलेगा और लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा 32 घंटे में तय करके अगले दिन शाम 6:45 पर दानापुर पहुंचेगी। और ये ट्रेन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और करीब 14 स्टेशनों पर रुकेगी। और इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत होगी कि हर स्टेशन पर किसान अपना पार्सल इस पर चढ़ा भी सकेंगे और इसे उतार भी सकेंगे। चलते अगले प्रश्न पे। सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि के लिए लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केनरा बैंक। केनरा बैंक के साथ जो केनरा बैंक है ने उन्होंने 3 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। किसके लिए? तो कोरोना कवच बीमा पॉलिसी के लिए। ये 3 कंपनियां कौन कौन सी है? तो ये 3 कंपनियां हैं
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, HDFC एग्रो हेल्थ कंपनी। ये बीमा पॉलिसी COVID-19 से जो जुड़े स्वास्थ्य खर्चे हैं उस पर बीमा सुरक्षा देगी। इस पॉलिसी के जरिए न्यूनतम 300 रुपये से प्रीमियम शुरू हो जाएगा और बैंकों के साथ साझेदारी करने वाली 3 कंपनियां कोरोना कवच से के नाम से स्वास्थ्य पॉलिसी पेशकश करेगी, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 50,000 से लेकर 5,00,000 तक के रुपये की बीमा करा सकेगा। अगर बात करें कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक एक प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है। भारत में इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और कैनरा बैंक की मुख्यालय कहाँ है, तो कैनरा बैंक की जो मुख्यालय है वो कहाँ है, बेंगलुरु में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। श्रीलंका में संसदीय चुनाव जीतकर कौन देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के संसदीय चुनाव जीतकर वहां के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये जो महिंद्रा राजपक्षे हैं श्रीलंका के पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। पहले भी महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगर बात करें इनकी बड़े भाई सॉरी इनके भाई की, तो वो है गोटाबाया राजपक्षे। वो अभी श्रीलंका के क्या है, तो वो अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति है। अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका भारत से एक पाक जल डमरूबंध द्वारा अलग होता है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में ही स्थित है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है। और श्रीलंका के PM तो अभी यही बन गए और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाईकोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी को ओपन बुक एग्जाम की अनुमति प्रदान कर दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट ने ओपन बुक एग्जाम की अनुमति प्रदान कर दी है। किस यूनिवर्सिटी की? दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में की हुई थी। और अभी यहाँ के कुल अधिपति कौन है, तो यहाँ के अभी कुल अधिपति भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यूएस एजेंसी ने किस देश की दवा को कोरोना मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की जो दवा है उस पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी किसने दे दी है, कोरोना मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी किसने दे दी है, तो US एजेंसी ने दक्षिण कोरिया की दवा को कोरोना मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। अगर बात करें दक्षिण कोरिया की, तो ये रहा मैप में दक्षिण कोरिया। ये छोटा सा रेड कलर का जो दिख रहा है वो दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है, तो सियोल। और दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, मून जे इन। और दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं। दक्षिण कोरिया की जो विश्व में प्रसिद्ध जो मोबाइल कंपनी है वह सैमसंग कंपनी, वह दक्षिण कोरिया की हैं। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, वो दोनों देशों को कौन सी रेखा अलग करती है, तो 38वीं समांतर रेखा वो दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है राम प्रधान। ये रहे राम प्रधान, इन्हीं का निधन हाल ही में हो गया। ये कौन थे, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। बात हो रही निधन की, तो शिवराजी पाटिल निलंगेकर ये कौन थे, तो ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। लालजी दास टंडन आप लोगों को पता ही होगा, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चार्ल्स क्यू ब्राउन। चार्ल्स क्यू ब्राउन को अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स अर्थात अश्वेत वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये रहे चार्ल्स क्यू ब्राउन। इन्हें कहाँ का पहला एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया, तो इसे अमेरिका का पहला एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है।
बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका के कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। अच्छा दोस्तों, ये डीसी का अर्थ क्या होता है? तो डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आयरलैंड। आयरलैंड में पहला टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपीय डेटा सेंटर खोलने की घोषणा कर दी है। बात हो रही है अगर आयरलैंड की, तो ये रहा मैप में आयरलैंड, ये नॉर्दर्न आयरलैंड। और अगर आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। आयरलैंड के पीएम कौन है? तो आयरलैंड के पीएम है अभी मिखाइल मार्टिन। प्रेसिडेंट कौन है? तो माइकल डी हिंगिस। कौन है? माइकल डी हिंगिस। और करेंसी क्या है? तो करेंसी वहाँ की है यूरो। थोड़ा ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। नीदरलैंड, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और वहाँ के पीएम कौन है? तो वहाँ के पीएम है मार्क रूट। और अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का लोगों को अभी ऊपर ही बताएं, कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रूस की कैपिटल क्या है? मास्को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और पीएम कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छा प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, एकदम पूरे डिटेल में लिख रहे हैं। और डिटेल में लिखने के साथ साथ आप लोगों का क्या होगा कि उससे आप लोगों को याद होते जाएगा। जैसे मुझे कुछ बच्चों का नाम भी याद है, कोई अंजलि अनुपम या मुक्ता सोरेंग या अंजू सारेनी, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे सारे का नाम याद नहीं, लेकिन उन लोगों को बहुत अच्छे से लिखते हैं। आप लोग सारे बच्चों को मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में डिटेल से लिखा कीजिए। अगर डिटेल से लिखिएगा तो आप लोगों को वो याद होते जाएगा। अब अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ऐसा कर देखिए, और आप लोगों को लगेगा कि मेरे में जरूर ही पॉजिटिव चेंजेज हुए हैं। आज के लिए अब मैं आप लोगों को आज का जो नया है, क्या है आज का नया? रिवीजन। अब मैं रिवीजन करवाने वाली हूँ, तो आप लोग सारे बच्चे अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दीजिएगा कि कल के प्रश्न का जब मैं रिवीजन करवाऊँगी तो सबसे पहले आप लोग उस प्रश्न को देखिएगा। जैसे अभी मैं इस पिक को दिखला रही, इसको देखिए और अपने माइंड में रखिए कि ये कौन थे। आप लोग एक सेकेंड देखिए, उसके बाद मैं बताऊंगी। अब आप लोग सोच नहीं होंगे ये कौन थे, तो मैं बताती हूँ ये कौन थे। तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। कौन थे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और ये कौन है? तो मनोज सिन्हा हैं। चलते हैं अगले पिक्चर पे। ये रहा अगला पिक्चर। अब मैं एक सेकेंड आप लोगों को देती हूँ, अब आप लोग जल्दी से बताइए ये कौन थे। तो ये स्वच्छ भारत क्रांति क्या था? तो एक पुस्तक था। इसका विमोचन किस किस ने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी दोनों ने मिलकर इस पुस्तक का विमोचन किया है। चलते हैं अगले पिक्चर पे। इस पिक्चर को देखकर मैं आप लोगों को एक सेकेंड देती हूँ, आप लोगों को माइंड में याद हो गया तो बताइए ये कौन थे। तो ये मणिपुर के मुख्य सचिव थे। कौन? राजेश कुमार। इस पिक्चर को देखकर क्या आप लोगों के दिमाग में याद आता है? तो ये निरुपमा यादव। कौन थी? विशेष कोड टू बिन नामक पुस्तक को लिखने वाली निरुपमा यादव। चलते हैं अगले पिक्चर पर। ये कौन थे? एक सेकंड देती हूँ मैं आप लोगों को, बताइए जल्दी से ये कौन थे। तो इकर कैसिलस। कौन थे? स्पेन के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे। इन्होंने क्या किया है? तो संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। अब इस पिक्चर को देखकर आपके लोगों के माइंड में कुछ आता होगा, ये कौन थे? तो आयरलैंड के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कौन? जॉन ह्यूम, जिनका निधन हाल ही में हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये कौन थे? इनके बारे में आप लोगों के माइंड में याद आ गया होगा, ये गुएना के नए PM। कौन थे? मार्क एंथनी फिलिप्स गुएना के नए PM बन चुके हैं। अब ये पाकिस्तान सरकार ने अभी क्या किया है? तो इन्हें बचकाना हरकत करते हुए क्या किया है? तो इसने क्या किया कि जूनागढ़ रियासत और जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ रियासत को अपना हिस्सा दिखलाने की कोशिश किया है। चलते अगले। ये कौन थे? तो ये सेबी के अध्यक्ष थे। आप लोगों को पता है सेबी के अध्यक्ष कौन थे? अजय त्यागी। इनके बारे में मैं कल आप लोगों को क्या बताई थी? तो इनका जो कार्यकाल है वो कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
मैप में देखिए इस राज्य को, तो ये कौन सा राज्य है, तो ये उत्तराखंड है। और उत्तराखंड राज्य में क्या मैं बताई थी, तो उत्तराखंड राज्य में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। रिवीजन हो गया दोस्तों। अब आप लोगों से मैं इतना ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग अब इस वीडियो को, हेल्पफुल लगेगा ही लगेगा आप लोगों को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तो मैं आप लोगों के लिए नई नई पहल को लाती रहूँगी ऑलवेज। आप लोग देख ही चुके हैं मैं 1 वीक में अपने में कितनी पॉजिटिव चेंजेस कर चुकी हूँ, कितने सारे वीडियो में नए नए चीज़ों को ला रही हूँ बार बार। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और पॉजिटिवनेस महसूस होगा और मैं आप लोगों के लिए नए नए और तरीके लाऊंगी ताकि आप लोगों को वो फायदा हो सके। इसलिए आज के लिए इतना ही। गुड डे एवरीवन, हैव अ नाइस डे।